एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति के कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो लोगों के लिए एक रहस्यमय जगह बन गई थी। हवेली में एक भूतनी का वास होने की अफवाहें थी। रामू ने सोचा कि यदि वह हवेली में जाकर कुछ भी मूल्यवान वस्तुएं खोजे तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। एक रात वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में अंधेरा और सन्नाटा था और उसकी दीवारें पुराने समय की कहानियां बयां करती थी। जैसे ही रामू ने हवेली में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा और एक असाधारण आवाज सुनाई दी। यह भूतनी की आवाज थी। भूतनी ने रामू को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ आए, लेकिन मैं तुमसे कोई मदद नहीं कर सकती। रामू ने उत्तर दिया, मैं यहाँ किसी से मदद नहीं मांगने आया हूँ, मैं तो केवल अपनी किस्मत को बदलना चाहता हूँ। बंधी हुई है, रामू ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भूतनी ने आश्चर्यचकित होकर रामू की बात सुनी। उसने अपनी गलती का रहस्य बताया कि वह अपने समय में स्वार्थी थी और दूसरों की मदद नहीं करती थी। रामू ने उसकी गलती को समझाया और उसे बताया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। भूतनी ने रामू की सलाह मान ली और उसने हवेली के पास रहने वाले गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। इसके बदले में वह हवेली से मुक्त हो गई और एक सुंदर जीवन जीने लगी। रामू ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से न केवल अपनी गरीबी को समाप्त किया बल्कि एक भूतनी की आत्मा को भी शांति दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और अच्छाई से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है।